एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की, भिक्षाम देही। उस राक्षस सम्राट के जाल में अकेली लाचार ऐसी पीड़ा सहना तो दूर। अपने आप को साधारण कहने वाले तुम लाखों में नहीं ब्रह्मांड में एक अनोखे हो। एक दशानंद दस राघव पर बात। अरे आगे आप लोग, रामायण इस मूवी का छोटा सा टीजर तो आप लोग देख ही चुके हैं। चलो बातें ज्यादा ना करते हैं, करते हैं इस वीडियो का रिव्यू। फिल्म इंडस्ट्री में घटिया मूवी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हर हफ्ते पब्लिक को डिसअपॉइंट होने की आदत पड़ चुकी है। आदिपुरुष ने रिलीज होते ही फिल्म इंडस्ट्री की नाक कटा दी। हर कोई मुंह छुपाता हुआ घूम रहा है। बॉलीवुड रामायण का एक ऐसा दूसरा वर्जन तैयार किया जा रहा है जिसके डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं। दंगल जैसी मूवी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, पब्लिक के इमोशन को जिंदा कर दिया। नितेश तिवारी चैंपियन है सिनेमा के। असल बात में यह है कि इस नई वाली रामायण को मुसीबतों में डाल सकती है, वो है इसकी स्टार कास्टिंग, जो इस फिल्म की ताकत और कमजोरी दोनों हो सकती है। रणबीर कपूर श्री राम के रोल में पब्लिक के सामने प्रेजेंट करेंगे। इनके कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी डाली गई है। माता सीता के रोल में हमें आलिया भट्ट दिखाई देंगी। टेंशन ना लो, कृतिका सेना से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा इनका इस फिल्म में। वैसे कुछ न्यूज निकल कर आई है कि रावण के रोल में हमें रोकी भाई यस को लिया गया है। रावण के रोल के लिए रणबीर कपूर श्री राम वाले रोल में बढ़िया है। रणबीर कपूर की एक्टिंग स्केलिंग वैसे भी बढ़िया है, बस डायरेक्टर साहब थोड़ा लुक वगैरह संभाल ले। बाकी परफॉर्मेंस तो रणबीर कपूर की एक नंबर की है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है, आपने रणबीर कपूर को श्री राम कैसे बना दिया। लोग अपनी राय दे रहे हैं कि हमें रणबीर कपूर की जगह महेश बाबू या फिर रामचरण होने चाहिए। वैसे रामचरण को श्री राम वाले रोल में लिया जाए तो कुछ बात बन सकती है। बात करें सीता माता के रोल पर तो पब्लिक इस पर भी अपनी राय दे रही है। बोला जा रहा है कि आलिया भट्ट की जगह हमें श्री पल्लवी देखना चाहते हैं। वैसे रावण के रोल के लिए भी सभी लोग रणबीर हुड्डा का नाम ले रहे हैं। देखो पब्लिक सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन दूसरी आदिपुरुष नहीं। इस नए वाले रामायण का बजट भी 500-600 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। वैसे जब रामायण जनता की है तो फैसला भी जनता का ही होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।